मैं हूं सिकंदर आलम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, लखनऊ का स्पेशल मटन गलौटी कबाब। आइए जानते हैं मटन गलौटी कबाब कैसे बनाएं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गलौटी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मटन का मीन्स 3 बार कीमा निकाल लिया है, और इसको इस पर निकाल लेंगे। इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कश्मीरी चिल्ली, नमक मैंने लिया है स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है दालचीनी पाउडर, 1/2 से 1/2 टेबल स्पून मैंने चिल्ली का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस पर ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून काजू का पेस्ट, काजू मैंने यहाँ पे भून लिया था उसका पेस्ट बनाया है, 1 टेबल स्पून ब्राउन ऑनियन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पपाया का पेस्ट लिया है, यहाँ पे रॉ पपाया पेस्ट करेंगे, 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, भुना हुआ चने दाल का पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इस पर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया इसमें, और रोज़ वाटर अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मटन का मीन्स जो है अच्छी तरह यहाँ पे मसाला के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसको बोल में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मटन गलौटी का मिक्सचर हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसको स्मोक लगा लेंगे, इसके बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, इस पर एक डालेंगे कटोरी, उसको इस पर ऐड करेंगे 1 जलता हुआ कोयला, 1 पीस लिया है, और इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे इलायची और लौंग मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए, इस पर ऐड करेंगे घी, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है, और स्मोक के लिए 1 टेबल स्पून इस पर डाला है। अब इसको अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका गलौटी का मिक्सचर मैंने स्मोक लगा लिया है। अब इसको कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा स्मोक में लगाए हुए दम पे 5 मिनट हो चुका है। अब इसको खोल लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन इसमें स्मोक रह हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे आराम से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्मोक लगाने से क्या होता है, जब भी आप गलौटी कबाब बनाएंगे इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, स्मोकी फ्लेवर। कितना बेहतरीन हो चुका है मिक्सचर, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में छोड़ देंगे इसको। देखिए दोस्तों, मटन मैंने यहाँ पे जो है 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। तब तक उसका वर्गी पराठा बना लेंगे, जो मटन गलौटी कबाब का बेस है, जिस पे आपको गलौटी कबाब सर्व करना है। आइए बना के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले से ही गलौटी कबाब के लिए वर्गी पराठे का पेड़ा लगा के रखा है। इसको अच्छी तरह से इस तरह पेच लगा लेंगे, पेच मैंने इसमें घी यूज़ किया है, इस तरह से इसका पेड़ा लगा लेंगे सारे फटाफट। वर्गी पराठे का लच्छा इस तरह लगा लिया है। अब इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसको बेलेंगे। अब इसको छोटे छोटे इस तरह बेल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे घी। पराठा मैंने इस तरह से यहाँ पे सेक लिया है। आप चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वर्गी पराठा का डो किस तरह मैंने बनाया आप देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ वर्गी पराठा का। देखिए इस तरह से मैंने वर्गी पराठा सेक लिया है। देखिए वर्गी पराठा का मैंने एक सेक लिया है, इसी तरह दो तीन और सेक लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने वर्गी पराठा सेक लिया है, साथ ही साथ इसका मटन गलौटी का टिक्की बना लेंगे। अब मैं थोड़ा सा घी और इसको 30 ग्राम का मैंने टिक्की ऐसा बनाया है। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने गलौटी की टिक्की इस तरह बना ली है और इसको आहिस्ता स्लो फ्लेम में पका लेंगे। इसी तरह मैंने फटाफट टिक्की बना लेना है। देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे गलौटी की टिक्की बना ली है। अब इस पर ऐड करेंगे घी। अब इसको स्लो फ्लेम में आपको पका लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे फ्लेम पूरा स्लो में रखा है। अब इसको थोड़ा पलट लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा गलौटी कबाब हो चुका है तैयार। देखिए फ्लेम बंद कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन मटन गलौटी कबाब यहाँ पे बनके तैयार है। अब इसको वर्गी पराठा के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मटन कितना बेहतरीन कुक हो चुका है। देखिए दोस्तों ये रहा आपका वर्गी पराठा के ऊपर मटन गलौटी कबाब। इस तरह से आप मटन गलौटी विद वर्गी पराठा बना सकते हैं। ये कितना बेहतरीन बनके तैयार है मटन गलौटी विद वर्गी पराठा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।